कोरोना वायरस की वजह से पूरे झारखंड राज्य में लॉकडाउन के साथ धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं रांची शहर के हरमू हाउसिंग कॉलोनी में ऑस्ट्रेलिया से लौटे ऋषभ सिद्धार्थ के घर पर कोविड-19 का नोटिस चिपका दिया गया है, जबकि पास पड़ोस के लोगों का कहना है कि इनका परिवार ऑस्ट्रेलिया में रहता है और जनवरी माह के अंत में ही सभी लोग घर आ चुके हैं और हम सभी से मिलना जुलना भी होता रहा है। वहीं नोटिस पर साफ लिखा है कि घर के अंदर ही रहना है और बाहरी लोगों का घर में प्रवेश। जी सर, आप लोग करीबन ऑस्ट्रेलिया से कितने दिन पहले आए? हम लोग देखिए यहाँ से 22 को गए, 1 जनवरी को दिल्ली आ गए और 2 जनवरी को रांची आ गए। तो आप लोगों को कोई ऐसा कोरोना वायरस का कोई सिम्टम्स आप लोग के अंदर आप लोग को देखने को मिला है? नहीं, उस समय जब हम लोग आए तो कोरोना वायरस का तो खैर ऐसा पता ही नहीं था। ये सब 13 जनवरी के बाद से शुरू हुआ। तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है तब बोले नहीं। तो सर क्या कुछ ऐसा तकनीक के द्वारा कोई हेल्थ चेकअप किया गया या था फिर बातें करके किया गया? एक टीमआई की पूछने एक महीने के बाद कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तो हम लोगों ने कोई हेल्थ चेकअप मतलब आप लोगों का नहीं हुआ? बिना हेल्थ चेकअप किए आप लोगों के घर के बाहर ये पेस्ट कर दिया गया है। तो सर एक बात और जानना चाहेंगे कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप 2 जनवरी को आए हुए हैं, तो 2 जनवरी के आने के बाद सर इस अंतराल में 2 जनवरी और आज का दिनांक अगर तय करें तो इस बीच में सर आप फॉरेन वापस गए या फिर वहां से आए? उसके बाद आप यहीं रांची में ही बने हुए हैं? ऑफिस आप दिल्ली जा रहे हैं? लास्ट आप ऑफिस किस दिन गए? सैटरडे तक ऑफिस गए थे जी सर। तो सर अभी किसी तरह का कोई हेल्थ चेकअप टीम आपके पास नहीं आई है? नहीं, कोई टीम नहीं आई है और कोई दिक्कत नहीं है। ऑल आर फिजिकल, सब को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बोले कि सैटरडे तक तो हम ऑफिस ही गए, संडे को तो लॉकडाउन था, टीम आई तो हम बोले भाई आप क्यों चिपका रहे हैं? बोले हमको ऑर्डर है, तो बोले ठीक है, क्वारंटाइन हो गया। तो हम लोग बाहर निकलना आज से बंद कर दिया। आज छुट्टी के लिए अप्लाई किया मेल से ऑफिस में कि ऐसा हो गया है, हम लोग बाहर नहीं जा सकते जी। मेन रूट को बंद कर दिया है कि भाई जब तक दूसरा ऑर्डर ना आए। फिर मैं डीसी को ट्वीट किया हूँ कि जरा सा इसको देख लीजिए, यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। हमारा बहुत 80 दिन तो बहुत होता है, 14 दिन ही क्वारंटाइन में लोग रखते हैं। आपके ट्वीट करने के बाद ये लोग यहाँ क्या ऐसा पेश किए हैं? नहीं, तो ट्वीट करने के बाद ही मैं लगाया कि मैं बोर्ड लगाया हूँ तो सर जर्नी डिटेल ये लगाने के बाद डीसी द्वारा सर क्या जजमेंट दिया गया था जब आपने उनसे बात किया? तो हाँ, तो कुछ रिस्पांस आया था? अच्छा, इसमें पता में लिखा हुआ है 3 लोगों का नाम, रितिका सिद्धार्थ, ऋषभ सिद्धार्थ और कृति। तो ये लोग तीनों कहाँ हैं? देखिए हम लोग 4 लोग हैं। हाँ, मैं भी साथ था उसमें। 4 लोग हम लोग गए थे, तो कृति अम्बस्ता तो यही है, रितिका सिद्धार्थ और ऋषभ सिद्धार्थ दिल्ली में काम करते हैं। तो वो लोग ऑस्ट्रेलिया से रांची नहीं आए, वो लोग वहीं रह गए, तो वो लोग दिल्ली में ही है, वो लोग रांची नहीं आए। ठीक है सर, और किसी तरह का आपको परेशानी? क्योंकि परेशानी क्या है कि अब हमारे साथ हमारे ओल्ड फादर है, मदर है, अभी कभी कोई दवा ववा के लिए अब हमको दूसरे से हेल्प लेना है, कोई सामान घट गया। तो आज तो पहला दिन है तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा है, ठीक है, घर में है, ऐसा सामान की कमी नहीं है। लेकिन ये लंबा चलेगा तब तो दिक्कत हो जाएगा। क्या कि हमारे फादर तो आपके साथ अभी और आपके फादर और मदर दोनों रहते हैं जो बुजुर्ग जी? वो लोग भी ठीक है, वो तो ओल्ड एज है, उनको कुछ प्रॉब्लम होता तो जल्दी वो अफेक्ट होते। जी 80 दिन से तो साथी जी। ये कोरोना वायरस में बताया जाता है कि ओल्ड एज पर्सन को ज्यादा जल्दी पकड़ता है और ज्यादा जल्दी सिम्टम दिखाता है। फादर हमारे 90 साल के, फिर भी उनको किसी तरह कोई सिम्टम नहीं आया जी। सर आपका परिचय? आपका परिचय? मेरा हुआ नाम दिलीप कुमार। प्रशासन के द्वारा यहाँ पे कोरोना वायरस को लेकर के
लोगों के घर के बाहर, जो लोग फॉरेन रिटर्न है उनके घर के बाहर ऐसा पेस्ट कर दिया जाता है। तो जैसे हाउस नंबर 85 में, हरमू हाउसिंग कॉलोनी के पास हाउस नंबर 85 में भी यहाँ पेस्ट कर दिया गया है, लेकिन ये लोग बाहर में, ये लोग खुद ने अपने से पेस्ट किया कि ये लोग 80 डेज पहले आए हुए हैं। हाँ, ये लोग तो 80 डेज पहले आए हैं, क्योंकि हम लोग तो अक्सर डेली ही देखते हैं, ऑफिस जाते हैं, आते हैं, निकलते हैं, उनके पेरेंट्स भी हैं, फादर भी निकलते हैं, घूमते हैं, तो हम लोग तो अपने यहाँ से देखते ही रहते हैं उनको, उनके उसको सांस लेने, हमको तो देखने में ऐसा ऐसा कुछ नहीं लगा। ये लोग के अंदर कोई भी आप लोगों को सिम्टम्स देखने को नहीं, नहीं हमको कुछ ऐसा सिम्टम नहीं मिला। और वैसे वो तो डेली ऑफिस भी जाते हैं अपना मेकॉन में, तो वहाँ से भी पूछ सकते हैं। आपको क्या लगता है अंकल कि जैसे ये पेस्ट कर दिया गया प्रशासन के द्वारा, तो ये पहले कर देना चाहिए था? अभी तक तो इन लोगों को कोई सिम्टम्स भी नहीं मिला, ना कोई हेल्थ इंस्पेक्टर आके चेक भी किए, तो ये गलत है? बिल्कुल गलत है। नहीं, अगर चेक नहीं किए और ऐसे लगा दिए, क्योंकि हमको ये लगता है कि उनको आए करीब 3 महीना हो गया है फॉरेन से, तो इतने दिन के बाद में लगाने का कोई सेंस कोई मतलब कोई मतलब नहीं।